गुजरात में हर साल कम से कम 60-70 स्कूल कॉलेज को इजाजत मिलती है, जिसमें से मैं मानता हूं 95%, ये मान लो कि 99% प्राइवेट स्कूल और कॉलेज ही होते हैं। आप एक चीज देखिएगा, जितने भी युवा ये वीडियो देख रहे हैं और जितने भी लोग मेरी बात सुन रहे हैं, आपने कभी ये सुना कि देश के टॉप 10 विश्वविद्यालय में गुजरात की एक भी विश्वविद्यालय आई हो? यह है गुजरात का शिक्षा। एक भी विश्वविद्यालय टॉप 10 विश्वविद्यालय में कभी नहीं आई गुजरात की। गुजरात मॉडल है तो शिक्षा क्यों खत्म होती जा रही है? उस पर सवाल करने पड़ेंगे और आप भी करिए, मैं कर रहा हूं, आप भी सवाल कीजिए। गुजरात में पूरी तरह से शिक्षा खत्म हो गई है, पूरी तरह से निजीकरण शिक्षा का हो गया, और इसीलिए मैं गुजरात के नौजवान के बीच में जाकर यही कह रहा हूं कि आप अपने हित के लिए तो सवाल कीजिए, और बड़ी ईमानदारी से सवाल भी आप हो रहे हैं। प्रिंस करके एक दोस्त ने हमें कहा है कि आपने गुजरात में पटेल समाज के युवाओं के हित में आवाज उठाई है, क्या आप देश के सभी युवाओं की लड़ाई लड़ेंगे? जो आदमी जन्म लेता है तो वो अपने समाज का होता है, जब अपने समाज के हित के लिए वो बात करता है और जब उसमें वो सफलता प्राप्त करता है तो उस इंसान की, उस व्यक्ति की जिम्मेवारी बन जाती है वो सब के लिए बात करे, और वो करने के लिए मैं कांग्रेस पार्टी में आया हूं। मैं करोड़ों युवाओं की, करोड़ों हिंदुस्तानियों की आवाज बनना चाहता हूं, उनके लिए काम करना चाहता हूं। आप लोगों के साथ और सहयोग से इस देश को सोने की चिड़िया और विश्वगुरु बनाना चाहते हैं। बिल्कुल, हमारी लड़ाई सब लोगों के लिए है। जब तक समुदाय की बात थी हमने की, ईमानदारी से की, सत्य के मार्ग पर की, अब देश की बात है, देश को मजबूताई से काम करेंगे और उनकी पूरी ईमानदारी से, मजबूताई से पार्टी को मजबूत करने का पूरी ईमानदारी से काम करेंगे। दिल्ली में जब शीला दीक्षित जी मुख्यमंत्री जी थी तो मेट्रो ट्रेन आ गई थी। आज भी गुजरात में मेट्रो ट्रेन नहीं है। दुनिया को दिखाने के लिए 6 किलोमीटर की मेट्रो ट्रेन को चलती दिखा के चले गए मोदी जी। आज मेट्रो ट्रेन बंद पड़ी है। बारिश के पानी के संग्रह के लिए गुजरात में आज भी सौराष्ट्र में कोई व्यवस्था नहीं है। कुपोषित बच्चों की जान दिन प्रतिदिन बढ़ रही है, उनकी मौत हो रही है, लेकिन सरकार उस पर गंभीर नहीं है। भाजपा का मतलब होता है साइलेंट भ्रष्टाचार, साइलेंट करप्शन। गुजरात मॉडल नहीं है, पूरे हिंदुस्तान को गुमराह करने का काम किया। पिछले 9 साल से गुजरात में वाइब्रेंट समिट के नाम पर एक बिजनेस फेस्टिवल होता है, 85 लाख करोड़ के एमओयूस हुए हैं, फिर भी गुजरात की जनता के युवाओं को रोजगार नहीं मिल रहा। पर डे, हर एक दिन 400 लड़कियां गुम हो रही है गुजरात में, ऑफिशियली डाटा है ये। बलात्कार की घटनाएं बढ़ रही है और मोदी जी कह रहे हैं कि मैं चौकीदार हूं। बिल्कुल नहीं दोस्तों, गुजरात मॉडल नहीं है। गुजरात को पूरी तरह से खत्म कर दिया गया है। मैं पूरे देश और युवाओं को कहना चाहता हूं कि गुजरात मॉडल देखना है तो अहमदाबाद मत आइए, आदिवासी एरिया में चले जाइए, सौराष्ट्र के किसानों के गांव में चले जाइए, उत्तर गुजरात के बनासकांठा, पाटण, राधनपुर, कच्छ में चले जाइए, अरवली डिस्ट्रिक्ट में चले जाइए। गुजरात मॉडल का मतलब होता है हर किसान, हर युवा सुरक्षित और सम्मान के साथ जी सके, जो सपना राहुल जी देख रहे हैं, जो सपना राहुल जी लेकर आगे बढ़ रहे हैं। गुजरात मॉडल पूरी तरह से दोस्तों खोखला है, सूखा पड़ा हुआ है मेरे इस गुजरात में।
युवा रोजगार के लिए इधर से इधर भटक रहा है। अगर सरकार कोई सरकारी भर्ती लाती भी है तो उसमें भी पेपर लीक हो जाते हैं, लाखों लाख युवाओं के भविष्य पर प्रश्नार्थ खड़ा हो जाता है। मैं विनती करता हूं हिंदुस्तान की जनता कि गुजरात मॉडल गांव में जाकर देखिए, तब जाके गुजरात की सच्चाई आपको अच्छी लगेगी और समझ में आएगी। प्रशांत मिश्रा जी ने हमें एक सवाल किया है, अपने संघर्ष के बीच में किन किन तकलीफों को झोला और कैसे पार किया। क्या जवाब दो, इसका जवाब मैं नहीं दे सकता दोस्तों, मैं अकेला नौजवान नहीं हूं, हजारों लोगों ने तकलीफों को सहन किया है। एक एक युवा पर 15-15 मुकदमे इन लोगों ने लगाए, मुझे 9 महीने जेल में रखा, 6 महीने गुजरात बाहर भेज दिया। एक 23 साल का उस जवान, उस समय का नौजवान, आज 25 का हुआ, पूरी तरह से परेशान, परिवार को परेशान, किराए पर मकान न दिलवाना, परिवार को भी जेल में डालना। लेकिन कहते हैं ना कि जनता जिसके साथ होती है ना उसको डरने की जरूरत नहीं होती। गुजरात की जनता मेरे साथ थी, गुजरात की जनता ने मुझे बड़ा प्यार दिया, सम्मान दिया, और साथ ही साथ 12 मार्च 2019 के बाद जिस तरह से आप सभी नौजवानों का, आप सभी कांग्रेस पार्टी के युवा कार्यकर्ताओं का, कांग्रेस पार्टी के नेताओं का जिस तरह से साथ और सहयोग मिल रहा है, 100% हम गुजरात में और देश में इन अत्याचारी और जुल्मशाही सरकारों के सामने लड़ेंगे। हमारे आर्यन गुप्ता जी ने कहा, एक युवा होने के नाते क्या अंतर देखते हैं आप नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी? पहला अंतर, राहुल जी झूठ नहीं बोलते। दूसरा अंतर, राहुल जी ईमानदार है। तीसरा अंतर, राहुल जी किसान और युवाओं के बारे में सोच रहे हैं। चौथा अंतर, राहुल जी धर्म में और जात पात में नहीं मानते। पांचवा अंतर, राहुल जी सबसे बड़े देशभक्त हैं। देशभक्त किस लिए है? क्योंकि उनका परिवार और वो इस देश की सेवा करते करते आज देश के मूल प्रश्नों के साथ खड़े हैं। राहुल जी अकेले काम कर रहे थे, साथ में प्रियंका जी भी आ गई कि नहीं, हम साथ मिलकर इस देश की सेवा करें। ये अंतर है। नरेंद्र मोदी जी ने तो सिर्फ और सिर्फ डराने का, धमकाने का काम किया, जो राहुल जी नहीं करते। राहुल जी ने कहा कि अगली सरकार देश की जनता की होगी, किसानों की होगी, युवाओं की होगी, और मोदी जी कह रहे हैं कि अगली सरकार नरेंद्र मोदी की होगी। बस ये फर्क है सबसे बड़ा दोस्तों। एक बात समझनी पड़ेगी हमको कि ये लोग मूल मुद्दों को भुलाने की कोशिश कर रहे हैं। आज देश का युवा रोजगार मांग रहा है, आप उसको राष्ट्रवाद का पाठ सिखा रहे हो। आज देश का किसान कह रहा है कि मुझे फसल के सही दाम दो, आप उसको राष्ट्रवाद का पाठ सिखा रहे हो। आज देश की जनता कह रही है कि भाजपा जवानों के नाम पर राजनीति न करे, तो क्या आप उसको राष्ट्रवाद का पाठ सिखाओगे? बिल्कुल नहीं। मुद्दों की बात कीजिए, मुद्दा मत भुलाइए। मुद्दा है 2 करोड़ रोजगार का, मुद्दा है स्वामीनाथन रिपोर्ट का, मुद्दा है पाकिस्तान के सामने लड़ने का, मुद्दा है फसल की दुगनी आय का, मुद्दा है प्रधानमंत्री फसल बीमा का, मुद्दा है 15 लाख रुपए का, मुद्दा है नीरव मोदी का, मुद्दा है विजय माल्या का, मेहुल चौकसी का, उनको वापस लाइए, दाऊद को वापस लाइए। आप हमें राष्ट्रवाद के पाठ सिखा रहे हैं। हमने पकड़ा था, हमारी सरकार ने पकड़ा था, कांग्रेस पार्टी ने पकड़ा था आतंकवादी मजदूर मसूद अजहर को, और आप उनको छोड़ आए थे वहां जाके,
वापस छोड़ आए थे और अब हमें सिखा रहे हैं राष्ट्रवाद। अब किसको राष्ट्रवाद सिखा रहे हैं? सुभाष चंद्र बोस को, सरदार साहब को, पंडित नेहरू जी को, पूज्य महात्मा गांधी जी को, इंदिरा गांधी जी को, राजीव गांधी जी को, इनको अब राष्ट्रवाद सिखा रहे हैं? अपना जान दे दी इस देश के वास्ते। और उस पार्टी का हर एक व्यक्ति, हर एक कार्यकर्ता और इस देश का हर एक नौजवान, हर एक हिंदुस्तानी भारत में रहता है और हर एक व्यक्ति राष्ट्रवादी है। हम आपकी तरह कट्टर नहीं है, हम सभी को साथ लेकर इस देश को मजबूत करना चाहते हैं। और इसीलिए मुद्दों की बात कीजिए, मुद्दे मत भुलाइए। लक्ष्मी नेगी जी ने कहा, आप लगातार युवाओं के बीच सक्रिय रहते हैं, जमीनी स्तर पर युवाओं के बीच वर्तमान सरकार के प्रति कितना गुस्सा है? बहुत ज्यादा, जिसको हम तोल नहीं सकते। युवा सिर्फ चार ही चीज बोल रहा है और आप भी मेरी इस बात से सहमत रहोगे। युवा कहता है कि आपने कहा था कि 2 करोड़ रोजगार देंगे, आपने रोजगार क्यों नहीं दिया? दूसरा सवाल, युवा कहता है कि आपने कहा था कि अगर हमारे जवान का 1 सर जाएगा हम 10 सर लाएंगे। तीसरा, आपने पिछले 5 साल में कितने IIT, IIM और विश्वविद्यालय बनाए वो आप हमें बताइए। और चौथा, 15 लाख रुपए खाते में कब आएंगे? युवाओं में काफी गुस्सा है। इस तरह से राहुल जी ने युवाओं को वादा किया है कि हम युवाओं की सभी परेशानियों को दूर करेंगे, तब से युवा राहुल जी के नेतृत्व में काम करना चाहते हैं और वो युवा चाहता है कि राहुल जी इस देश के अगले प्रधानमंत्री बने। और नौजवान गुजरात के साथ साथ पूरे हिंदुस्तान में मेहनत कर रहा है। 60 साल में कांग्रेस पार्टी ने इस देश की जनता के लिए क्या क्या किया है, हर एक मुद्दा युवाओं के पास पहुंचा रहा है। और मैं सभी युवा कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं को कह रहा हूं कि गांव गांव जाइए। जवाहरलाल नेहरू जी ने, इंदिरा जी ने, राजीव जी ने, लाल बहादुर शास्त्री जी ने, कांग्रेस पार्टी की सरकार ने जनता के लिए क्या क्या किया है, गांव गांव जाकर हमें बताना पड़ेगा। क्योंकि हमारे पास पैसा नहीं है, हमारे पास झूठ का प्रचार नहीं है, हमारे पास तानाशाही वलन नहीं है, हमें घर घर जाना पड़ेगा और भाजपा की तानाशाही के खिलाफ हमें गांधीगिरी के मार्ग पर काम करना पड़ेगा। राकेश सिंह यादव जी ने हमें एक सवाल किया है कि राहुल गांधी जी द्वारा सत्ता में आते ही राइट टू हेल्थ का अधिकार देने की बात कही है, उसकी कितनी आवश्यकता है देश को? बहुत। हेल्थ, जब इंसान मजबूत होता है ना तो देश मजबूत होता है। जब इंसान अपने मनोबल से मजबूत होता है ना तो देश की ताकत ज्यादा बढ़ती है। अगर इंसान ही कमजोर हो जाएगा तो देश कैसे मजबूत हो पाएगा? और राहुल जी ने जो कहा है कि राइट टू हेल्थ बिल्कुल जरूरी है। क्यों जरूरी है, मैं आपको एक चीज बताता हूं और गौर से सुनिएगा। गुजरात में लगभग 20 साल से ज्यादा समय हो गया भाजपा का राज है और गुजरात और बंबई अलग हुए 50 साल हो गए, लेकिन आज भी अहमदाबाद में 2 ही गवर्नमेंट अस्पताल है, तीसरी गवर्नमेंट अस्पताल नहीं बनी। भाजपा हेल्थ पर, शिक्षा पर काम ही नहीं कर रही। कुपोषित बच्चों की मौत हो रही आदिवासी एरिया में, गरीब बच्चे मर रहे हैं। अगर बच्चा मर जाएगा, बड़ा नहीं होगा तो देश की सेवा कैसे कर सकेगा? और इसीलिए राहुल जी ने जो कहा है कि राइट टू हेल्थ, सभी की स्वास्थ्य चिकित्सा पर ध्यान देना पड़ेगा। और राहुल जी ने कहा है कि गांव गांव में हेल्थ पर ध्यान दिया जाएगा, हर बच्चे की हेल्थ को मजबूत बनाया जाएगा। और बिल्कुल उस मुहिम में मैं लाखों करोड़ों कार्यकर्ताओं को कहता हूं कि इस मुहिम में हमें बिना सोचे समझे कूद जाना है।
क्योंकि 135 करोड़ हिंदुस्तानी जब गर्व के साथ स्वास्थ्य मजबूत होगा ना, फिर हम कह सकते हैं कि मेरा भारत महान है।